हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिविजन। आज है 12 अप्रैल और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो आज जो है 11th और 12th दोनों दिनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अपनी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो 11th से 14th अप्रैल के बीच में भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा जो टीका उत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम मात्रा के अंदर जो हमारी कोविड वैक्सीन है उनको खराब किया जाए, खराब होने से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। फिर बात करते हैं दूसरा मुख्य उद्देश्य इसका, ये है कि जितने भी लोग हैं उनको इस उत्सव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो वैक्सीन्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या उनको लगाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी जो अपील की गई है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है कि जितने भी राज्य हैं वो 11 से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव का आयोजन करें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मास्क अभियान जो है वो स्टार्ट किया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा बेसिकली ये अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये अभियान तो इन्होंने स्टार्ट किया और जो इन्होंने फोटो सेशन भी कराया है वो आप लोग देख सकते हो, इस पोजीशन में इनके द्वारा करवाया गया है। ना तो इनके पास कोई मास्क है लेकिन इनके द्वारा अपील जरूर की जा रही है कि मास्क अभियान अभी स्टार्ट किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं इस मास्क अभियान के बारे में, सो जो है टोटल 14 डेज के लिए ये जो अभियान है वो उड़ीसा राज्य के अंदर चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो पहले 1000 रुपीज़ का जो फाइन लगता था जिन्होंने कि ये मास्क नहीं पहन रखा था, अब उसको इंक्रीज़ करके 2000 रुपीज़ कर दिया है। और दूसरी मुख्य उद्देश्य बड़ी बात ये है कि जो मास्क अभियान स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य अब दोबारा ये है कि जो पूरे इंडिया के अंदर जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उसी वजह से ये जो अभियान है वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि राजस्थान की अपने बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है जो कि 1 मई से यहाँ पर लागू हो जाएगी और अभी से अप्रैल जो मंथ है यहाँ पर इसका पंजीकरण किया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, सो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उनके द्वारा कुछ समय पहले जो सतर्क नाम से एक ऐप है उसको लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो सिंधुदुर्ग नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अंबोली नाम की एक जगह है जिसको अभी नई जैव विविधता साइट का दर्जा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर अपनों ने बात की है उड़ीसा राज्य के बारे में, सो बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये उड़ीसा का यहाँ पर शो किया गया है। और यदि अपने बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, इसके साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपने जो आंध्र प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है, तो अपने कह सकते हैं टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री जो है उड़ीसा के राज्य के साथ में जो है वो टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की देवमोली नाम से चलती है, फेस्टिवल जो है रथ यात्रा के नाम से चलता है। डांसेस की यदि अपने बात करते हैं तो घूमरा डांस जो है यहाँ पर किया जाता है और एक आप लोगों ने सुना होगा नाम घूमर डांस का। सो ये जो घूमर डांस है ये बेसिकली किस स्टेट का डांस है ये आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं रुक्मार नाच जो डांस है वो यहाँ पर किया जाता है और छाउट जो डांस है वो भी यहीं पर किया जाता है। टेम्पल की यदि बात करते हैं तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो भी यहीं पर
में किया जाता है। फिर बात जो कोणार्क सन टेम्पल है, जिसको ब्लैक पेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पर प्रजेंट है। फिर बात करते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ पर प्रजेंट है। भितरनलिका जो कनिका नेशनल पार्क है, वो यहाँ पर प्रजेंट है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो उड़ीसा राज्य है, उसकी जो अभी करंट न्यूज़ की यदि अपने बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि भारत का जो पहला फायर पार्क है वो भुवनेश्वर के अंदर बनाया जाएगा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 2023 का जो हॉकी का पुरुष वर्ल्ड कप होगा, वो जो है उसका आयोजन भी भारत के अंदर जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर किया जाएगा। 2023 तक जो राष्ट्रीय रग्बी टीम है उसको स्पॉन्सर भी उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जा रहा है। सुजल मिशन जो प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, अमृत योजना के अंदर जो पहला पोजीशन मिला था पूरे इंडिया के अंदर, वो भी उड़ीसा को मिला था। मधु बाबू पेंशन स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया गया। भूमिहीन किसानों के लिए जो बलराम योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो वंदे उत्कल सॉन्ग है, उसको उड़ीसा राज्य का जो राज्य सॉन्ग है उसका अभी दर्जा भी मिला कुछ समय पहले। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे उड़ीसा राज्य के बारे में। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस मंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए सार्थक नाम से एक स्कीम जो है वो बेसिकली लॉन्च की है? सो इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल जी, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले सार्थक के बारे में, सार्थक जो है उसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन है। ये वाली जो शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए, आपको हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों के अंदर ये देखने को जरूर मिले। फिर बात करते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 से लागू हो रही है, इसको नेक्स्ट 10 ईयर के लिए बनाई जा रही है। और जो अभी भारत के 75वां स्वतंत्रता संग्राम जो बनाया जाएगा 2022 के अंदर, अगस्त 2022 के अंदर, उसी के ऊपर इसको बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधान मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश और भारत के बीच में एक मैताली नाम से जो ट्रेन है वो चलाई गई थी, उसका उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अपने यदि बात करते हैं तो अन्नमाया नाम से एक जो स्वास्थ्य अभियान है आदिवासी भारतीयों के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, ये जो स्टार्ट किया गया, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसी तरह से नरेंद्र सिंह तोमर की यदि अपने बात करते हैं तो मधु क्रांति जो पोर्टल है उसको बेसिकली इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो मनाया जाता है। इस दिन जो होम्योपैथी के जो जनक है डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक सैमुअल हैहनमैन, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उन्हीं को याद करने के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो होम्योपैथी रोडमैप फॉर इंटरग्रेटिव मेडिसिन रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं जैसे कि ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ डे की, सो 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी दिन जो है WHO था उसकी स्थापना हुई थी, जिस वजह से ये डे पर्टिकुलर हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरह से यदि CRPF वेलोर डे या फिर CRPF सूर्य दिवस की बात करते हैं तो ये जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है अपने पूरे भारत के अंदर। इसी तरह से CISF जो डे है वो 10 मार्च को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाए हैं? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 गिनीज वर्ल्ड जो है वो इनके द्वारा बनाए गए हैं। इनके द्वारा ये यदि इनकी बात करते हैं तो बेसिकली ये एक साइकिलिस्ट है जो कि साइकिल चलाते हैं और जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट भी ये करते हैं। सो इनके द्वारा जो भी ये रिकॉर्ड बनाया गया वो पहला रिकॉर्ड तो ये बनाया गया कि
कि अक्टूबर 2020 के अंदर इनके द्वारा लेह से मनाली के बीच में जो 472 किलोमीटर की जो ये दूरी है उसको 35 जो हार और 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर इसको क्रॉस किया गया या पूरा किया गया। पहला रिकॉर्ड तो इनके द्वारा ये बनाया गया। दूसरा रिकॉर्ड जो है इनके द्वारा ये बनाया गया कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज अपने इंडिया के अंदर बनता है, जैसे कि दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ और कलकत्ता हुआ, जो ये चारों शहर आपस में जब कनेक्ट होते हैं और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है लगभग 5942 किलोमीटर होती है, जो कि NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो कॉरिडोर बनाया गया है उसकी जो लेंथ कितनी है। सो वो लेंथ ये है और इसको इनके द्वारा जो है 14 डेज और 23 अपने हार्ट्स कह सकते हैं, 40 डेज 23 हार्ट्स एंड 52 मिनट्स के अंदर बेसिकली इनके द्वारा ये कंप्लीट की गई, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नाइजर देश का जो नया प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी, यहाँ के जो नाइजर देश के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बैजोम के द्वारा अभी ये घोषणा की गई है, या उनके द्वारा ओजोम मदुओ महामदो को अभी बेसिकली वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि वजोसा ओस्मानी की बात करते हैं तो ये जो है कोसोवा जो कंट्री है उसका जो नया राष्ट्रपति है वो इनको भी सिलेक्ट किया गया। इसी तरह से जो अपने पास वियतनाम कंट्री है फाम मिन चिन, वहाँ के ये प्रधानमंत्री अभी बने हैं। अब यदि अपने बात करते हैं नाइजर कंट्री की, सो नाइजर की जो कैपिटल है वो नियामी नाम से चलती है और यहाँ के जो अपने बात करते हैं करेंसी तो CFA जो फ्रैंक है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक वो यहाँ पर चलती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पति का नाम क्या था जिनका भी हाल ही में 19 ईयर की एज के अंदर मृत्यु हो गई है? सो इनका राइट आंसर होगा प्रिंस फिलिप जो है उनका नाम था और उन्होंने जो यहाँ की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड उनको उनके साथ मिलकर लगभग 77 ईयर तक उन्होंने वहाँ पर राज किया था, और या फिर अपने कह सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की उन्होंने उसके कार्यकाल के अंदर सहायता की थी। और यदि अपने बात करते हैं 2017 के अंदर उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो प्रिंसेस की उपाधि दी जाती है वो जो भी किंग होते हैं उन या फिर जो वहाँ की महारानी होती है उनके जो बेटे और उनके जो ग्रैंड सन होते हैं उनको ये प्रिंसेस की उपाधि वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अब यदि अपने बात करते हैं विलियम आर्थर फिलिप लुइसिस जो कि यहाँ के प्रिंसेस है, और इसी तरह से गॉर्ग अलेक्जेंडर लुइस जो जॉर्ज है जॉर्ज अलेक्जेंडर लुइसिस वो भी यहाँ के प्रिंसेस अभी बने हुए हैं। और प्रिंस हैरी का नाम आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि ये चर्चा में रहे थे, इन्होंने क्या था कि जो ब्रिटेन की उपाधि थी प्रिंस की उसको त्याग दिया और उसके बाद ये ब्रिटेन को छोड़कर कनाडा के अंदर अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ वहाँ पर रहने लग गए हैं। सो ये था आज का वीडियो, यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं जो लास्ट वीडियो था उसके रिविजन के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, वो एथलीट दुकी चंद को प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि उड़ीसा की रहने वाली एक एथलीट है। फिर बात करते हैं फ्रांस का एक नेवी अभ्यास ला पेरिसिस में किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? सो फ्रांस के साथ जो अनदर फोर कंट्री थी क्वाड जो कंट्रीज है जैसे कि जिसके अंदर बात करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, इन चारों कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ साथ ये जो आयोजन इसका किया था वो हिंद महासागर जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? सो आशुतोष भारद्वाज को इसके लिए सम्मानित किया गया और इनके द्वारा जो इनका एक उपन्यास लिखा गया है पितृवध उसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल समावेशन सूचकांक जो है वो प्रकाशित किया जाता है। फिर बात करते हैं जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक का जो है नामायामक का शुभारंभ अभी किया गया जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है।
फिर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो संजीव कुमार जी है उनको चुना गया है। फिर बात करते हैं माई मदर माई हीरो पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, सो डॉक्टर अच्युत सामंत जो है बेसिकली इसके लेखक हैं। सो ये था आज का वीडियो, यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के कमेंट्स जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर जो भी आज के क्वेश्चन है वो आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।